हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय श्री राधे। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सब लोगों के साथ हर घर एक एस्ट्रोलॉजर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि राशियों के स्वभाव कैसे होते हैं, ठीक है। तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, एक क्वेश्चन मुझे आप लोग से करना है। क्या आपका और आपके फैमिली मेम्बर्स का, या आपके फ्रेंड्स का, या आपका और मेरा नेचर सेम है? क्या हमारी किस्मत सेम है? क्या हमारी थिंकिंग भी सेम है? आपका आंसर क्या होगा? नहीं, इसमें से हमारा कुछ भी सेम नहीं है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे का रीज़न ना, ये जो बोर्ड पे आपको दिख रही है ना लिखे हुए वर्ड्स, ये होते हैं। और ये कहाँ काम आते हैं? ये हमारी कुंडली में होते हैं। जी हाँ, हमारी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये नॉलेज हो गई ना, तो आपको कुंडली आधी देखनी समझ लीजिए आ गई है। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्क्रीनशॉट मार करके इसको रख लीजिए, या फिर अगर आपने एक नोटबुक बनाई है तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बोलूँगा आप नोटबुक बना करके उस पर नोट डाउन करिए, क्योंकि मेरे खुद की मेरी नोटबुक है जिसमें मैं सारी चीज़ें स्टार्ट में जब लर्न करती थी ना नोट तो नोट डाउन करती थी। उससे क्या होता था, जब हम खुद लिखते हैं ना तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। मोबाइल में क्या होता है कि उतना हम बार बार उसको देखते नहीं हैं, पर जब मेहनत करते हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क करते हैं ना, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब देखो, आपको आपने देखा होगा कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है, बहुत ही मतलब हर चीज़ हर डिसीज़न लेते हैं बहुत क्विक लेते हैं, वो फटाफट लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना जो डिसीज़न रो रो के लेते हैं, उनको अगर बोल भी दो ना डिसीज़न लेना है तो 2 घंटे तक भी वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना जो 2 डिसीज़न लेके आ जाएंगे, अरे ये करें ये करें। तो ये सब क्यों होता है? इन सभी राशियों के स्वभाव की वजह से होता है। तो सामने सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है? चर राशि। इसको हम क्या बोलते हैं? मूवेबल साइन। वॉट वी कॉल इट? मूवेबल साइन। आफ्टर डैट अनदर वन इज कॉल्ड स्थिर राशि, जिसको हम बोलते हैं इमूवेबल साइन। देन लास्ट वन इज दी स्वभाव राशि, जिसको हम ड्यूअल साइन बोलते हैं। ये 3 ही स्वभाव होते हैं हर राशि के, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे राशि क्या होती है, कैसे क्या हो रहा है? डोंट वरी, धीरे धीरे ना सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे बिरयानी बनानी हो तो पहले स्टार्ट में लगता है ना, अरे बाप रे कितने सारे इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं, ये मसाला डालो वो मसाला डालो। पर जब सारी चीज़ें डाल के बिरयानी बन के रेडी होती है तो पूरे घर में खुशबू उड़ती है, यहाँ तक कि पड़ोस तक में जाती है। इन द सेम वे, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे ना सब समझ में आ जाएगा। बट एक बात याद रखना है आपको कि आपको आपका होमवर्क प्रॉपरली करना है। कोई डाउट है मुझसे आप पूछ सकते हैं। जैसे आप एक दो लोगों ने मुझसे कंसल्ट किया, मुझे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको आपके डाउट्स क्लियर करने में। इन द सेम वे आप बाकी लोग भी वेलकम है, जो भी डाउट है आगे आप मुझे करें, मैं आपको पर्सनली सारे डाउट्स क्लियर करूँगी आपके। तो चलिए फिर से टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं। अब पहली होती है चर राशि। अब आपको कुंडली में क्या देखना है, आपके पास कुंडली है किसी की भी हो, आपकी हो किसी की भी हो, या ऑनलाइन आप कोई कुंडली ले लो। अब उसमें आपको क्या देखना है कि नंबर वन क्यों लिखा मैंने? मेष राशि जहाँ पे भी हो ना वहाँ पे नंबर वन लिखा होगा। अगर आप मेरे 3 दिन पुराने वीडियो में जाएंगे तो वहाँ मैंने डाला हुआ था, आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि राशि कौन सी होती है, कैसे हम अपनी राशि फिगर आउट करते हैं, कहाँ पर कौन सा नंबर लिखा होगा तो उसको हम कौन सी राशि बोलेंगे। तो वैसे ही आज मैं आपको बता देती हूँ, एक बार चीज़ आपको रिवाइज कर देती हूँ। जहाँ नंबर 1 लिखा होता है ना वो मेष राशि होती है कुंडली में, जहाँ कहीं भी नंबर 2 लिखा होगा ना उसको वृषभ राशि बोलते हैं, जहाँ कहीं भी नंबर 3 लिखा होगा उसको मिथुन बोलते हैं, जहाँ कहीं भी 4 नंबर लिखा होगा उसको हम कर्क बोलते हैं, एनीवेयर कुंडली में नंबर 5 लिखा हुआ है तो उसको हम सिंह राशि बोलते हैं, नंबर 6 लिखा हुआ है तो उसको हम कन्या राशि बोलते हैं, नंबर 7 लिखा है तुला राशि, नंबर 10 मकर राशि, नंबर 11 कुंभ राशि, नंबर 12 मीन राशि। आई होप आप लोगों को राशियों के नाम इंग्लिश में पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। मेष मीन्स एरिस, वृषभ मीन्स टॉरस, मिथुन मीन्स जेमिनी मीन्स नंबर 3, एंड कर्क मीन्स कैंसेरियस, और देन आफ्टर सिंह मीन्स लियो, एंड उसके बाद में तुला लिब्रा, वृश्चिक को हम स्कॉर्पियो बोलते हैं, एंड देन आती है सेगिटेरियस मीन्स धनु, एंड मकर मीन्स कैप्रिकॉन, एंड कुंभ मीन्स एक्वेरियस, एंड मीन मीन्स स्पाइसिस। नाउ आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके। अब आप सामने देख रहे हो ये सारी राशियाँ मैंने लिखी चर राशि,
मूवेबल साइन। अगर आपके किसी की भी कुंडली में नंबर वन कहीं पे भी लिखा हो, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, जरूरी नहीं है कि सबकी कुंडली में नंबर वन एक जगह ही लिखा होगा, ना, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कहीं पर भी नंबर वन लिखा है दैट मीन्स इट्स अ मेष राशि, वहाँ पे मेष है, मेष राशि। अब मेष राशि का नेचर कैसा होता है ना, वो चर राशि में हम उसको इंक्लूड करते हैं, मीन्स मूवेबल साइन। फिर आता है कर्क राशि, कर्क राशि मीन्स वॉट, नंबर फोर। नंबर फोर कहीं पर भी कुंडली में लिखा होगा दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज अ मूवेबल साइन, चर राशि। अब कुंडली में कहीं भी सात नंबर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं चर राशि, मूवेबल साइन। अब नंबर 10 लिखा है तो उसको हम बोलते हैं मकर राशि, मीन्स मूवेबल साइन। अब आप बोलोगे हमको क्या करना है यार इससे, चाहे कुछ भी हो, वो हिले डुले गिरे हमें क्या करना है? करना है ना बहुत कुछ करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज कुंडली में ना आप में से बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि मुझे फॉरेन सेटलमेंट है या नहीं है, तो पता है हम एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, सबसे पहले 12वां घर देखते हैं, 12th हाउस देखते हैं कुंडली का। अब 12th हाउस में ना हम क्या देखते हैं, कौन सी राशि वहाँ पे आ रही है, वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सपोज किसी की कुंडली के 12th हाउस में नंबर 4 लिखा हुआ है विच कम्स इन द चर राशि, चर राशि मीन्स क्या, जो हमेशा चलती रहती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इसका मतलब आपके बाहर जाने के चांसेस, फॉरेन कंट्री में जाने चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब सपोज किसी की कुंडली में, आप में से आपके किसी फ्रेंड की कुंडली में 12th हाउस में स्थिर राशि आ रही है, स्थिर राशि में कौन कौन सी राशि होंगी, वृषभ होगी, सिंह होगी, वृश्चिक होगी, कुंभ होगी, कौन सी, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस। अगर 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर लिखा हुआ है 12th हाउस में, इट मीन्स वहाँ पे स्थिर राशि हुई। अब अगर कोई स्थिर राशि वाला बंदा या फिर कोई लड़ या फिर कोई बंदी हमारे पास आती है और पूछती है कि क्या मेरे फॉरेन जाने का योग बनता है, स्थिर मीन्स वॉट, जो इमूवेबल है, जो हिलता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं, पर हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं, पर क्या 100% उसके बाहर जाने के योग नहीं बनते, ना ना, ये बोलना रॉन्ग होगा, 100% रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, यहाँ पे 9th हाउस भी देखना पड़ता है, यहाँ पे हमें देखना पड़ता है वहाँ पे कौन सा, मतलब बाकी और सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स ना कुंडली में होते हैं जो हम कंसिडर करके फिर प्रिडिक्शन देते हैं, जो एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा, जैसे बिरयानी का मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें नमक डालते हैं, वैसे ही नमक का काम करते हैं। अब उसके बाद आता है द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि मीन्स वॉट, मैंने आपको बताया अगर किसी की कुंडली में सपोज अगर 12th हाउस में, मैं 12th हाउस का एग्जांपल देती हूँ, अगर नंबर 3 लिखा हुआ है इट मीन्स जेमिनी, या फिर नंबर 6, नंबर 9 और नंबर 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम ना सोचते हैं उसका जाने बाहर जाने का योग होगा या नहीं होगा। अब देखो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आपके पास में आपकी लग्न कुंडली है, कौन सी कुंडली है, लग्न कुंडली, ठीक है। अब अगर लग्न कुंडली में किसी के फर्स्ट हाउस में, व्हाट आई एम सेइंग, इन द फर्स्ट हाउस, ठीक है, फर्स्ट हाउस मीन्स आपका जो लग्न का पहला घर है उसमें अगर द्विस्वभाव राशि हुई, कौन सी राशि हुई, ड्यूअल साइन हुई, मीन्स आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 3 और नंबर 6 और नंबर 9 और नंबर 12 लिखा हुआ है, इट मीन्स ऐसे लोगों का जो नेचर होता है ना, वो हमेशा 2 डिसीजन लेते हैं, कितने डिसीजन लेते हैं, वो 2 टाइप के डिसीजन लेते हैं, उनको हर चीज़ ना, वो एक ही चीज़ पे वो संतुष्ट नहीं होते, उनको हर, उनके माइंड में हमेशा 2 थॉट आते हैं, मेरी खुद की धनु राशि है मुझे पता है, तो हर चीज़ में ना उनको दुविधा रहती है, हर चीज़ वो सोचते हैं, 2 चीज़ें सोचते हैं एक ही जगह पे। अगर उनको कपड़े भी कोई पसंद करने होंगे ना, तो जैसे मुझे पसंद करना होता है मैं बोलती हूँ येल्लो लूँ या वाइट लूँ, येल्लो लूँ या वाइट लूँ, ऐसा होता है, और कभी कभी मैं दोनों ही ले लेती हूँ। तो ये होता है द्विस्वभाव राशि का नेचर। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है, नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन शेयर करें, मैं ट्राई करूँगी और भी ज़्यादा इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में, हर घर एस्ट्रोलॉजर में, तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उड़ते उड़ते से मत देखो वीडियोज़, लाइक करो, लाइक करने में क्या जाता है, एक बटन तो क्लिक करनी है, टटक से क्लिक कर दो एक बटन, एंड क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इन वीडियो को शेयर करें,
शेयर करने से क्या होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, जब आप अपने किसी फ्रेंड के साथ साथ में बैठ के डिस्कस करोगे, वीडियोस देखोगे ना, तो आप लोगों का आपस में डिस्कशन होगा, अरे मेरी कुंडली में तो ऐसा है, तेरी कुंडली में ऐसा है क्या, तो वो डिस्कशन की वजह से क्या होगा, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना और क्लियर होगा, और क्वेश्चंस आएंगे, और ज़्यादा मन लगेगा देखने में। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।